तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेके टायर्स के स्टॉक के बारे में। जेके टायर्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.51% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार 401 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी ब्रेक किया है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 423 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 460 और 500 550 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ पर गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 401 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है। देन यहाँ से हमको स्टॉक में 358 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।